अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और बहुत मज़ेदार खीर। एक नई वैरायटी है, इसका नाम है मैंगो खीर। आप इसको बना सकते हैं ईद के मौके पर। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए होल मिल्क, ये आपको आसानी से मिल जाता है, घर पर भी होता है। उसके बाद आपको चाहिए चावल, जिसे मैंने अच्छी तरह वॉश किया और खुले पानी में सोक कर दिया, यानी कि भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। थोड़ा सा और हमें दूध चाहिए होगा, आप देखेंगे इसकी क्या ज़रूरत है। गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए होंगे बादाम और पिस्ते, दैट्स आमंड्स एंड पिस्ताशियोस। इसको जो है आप क्रश कर लीजिएगा, इलायची पाउडर जाएगा बीच में, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। मैंगो जो है ये आपको, देखिए आजकल सीजन तो आ गया हुआ, अगर आप चाहें तो आप फ्रेश मैंगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कैन के अंदर जो पल्प आपको मिल जाता है, तो ये वो हो गया। चीनी जाएगी, दैट्स कैस्टर शुगर। बादाम जाएंगे, इसे मैंने गर्म पानी में डाला और उसकी स्किन ऑफ कर दी हुई है, इसे भी हमने यहाँ पर ग्राइंड करना है, आपको अभी आप दिखाते हैं। और बीच में थोड़ी सी हम और जो है मैंगो की पल्प इस्तेमाल करेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए, आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। अब आपने क्या करना है, जो चावल हमने सोक किए थे पानी को आप डिस्कार्ड कर दें, यानी कि फेंक देंगे, और चावलों को आपने डालना है ग्राइंडिंग मिल में या ग्राइंडर में डाल लें। थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे और आपने इसको ग्राइंड कर लेना है जब तक कि बिल्कुल पेस्टी हो। देख लें, इस तरीके से आपने जो है इसको पेस्टी सा कर लेना है, ठीक है। इसलिए एक्स्ट्रा दूध हमने साइड पर रखा था, तो ये काम हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोबारा आपको ग्राइंडिंग मिल की ज़रूरत होगी, उसमें मैंने बादाम डाल दिए हुए हैं और बीच में जाएगा दूध, और जो है आप इसको ग्राइंड कर लेंगे कि बिल्कुल ये भी एक पेस्ट की फॉर्म। तो ये देख लें, बादाम पीछे से ग्राइंड हो गए। अब जो है नेक्स्ट स्टेप हम आपको दिखाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है, आप एक पैन में खुले बर्तन में आपने जो है दूध डाल लेना है, जो मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ। फ्लेम यहाँ पर फुल हाई पर है और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। जैसे ही दूध में आप देखेंगे कि इसकी अंदर बॉइलिंग आनी शुरू होगी, तब आपने जो है इसके अंदर ऐड कर लेना है ये जो चावल का हमने पेस्ट बनाया था, ये इसमें ऐड कर लें। और यहाँ पर से आपने जो है बिल्कुल नहीं हटना, वरना भी होता है कि नीचे दूध लगने का डर होता है और चावल भी नीचे सेटल हो सकता है। तो एक इसमें चमचा यूँ मिलाते चले जाएंगे, और फ्लेम जो यहाँ पे मैंने मीडियम और हाई के दरमियान में रखी, इतना पकाना कि ये गाढ़ेपन की तरफ आए। तो ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ होनी चाहिए, अच्छा खासा यहाँ पे ये गाढ़ा हो चुका हुआ है। तो ये देख लें, चमचा फैलाते चले जाएंगे ताकि नीचे चावल जो है जाकर के बैठ ना जाए या फिर इसमें लम्स ना बन जाए। तो ये काम हो गया। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि चीनी है, इलायची पाउडर जाएगा, और बीच में जाएगा जो हमने बादाम ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाया, उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें। तो ये देख लें, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, और नीचे आप कर देते हैं चूल्हे को बंद, क्योंकि ये इतना गर्म है कि चीनी कम्प्लीटली इसमें डिजोल्व हो जाएगी, और जो इसका टेक्स्चर आपको चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो कम्प्लीटली जो है बिल्कुल सही हो जाती है। तो ये कि आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल कितना गर्म है, लेकिन उसके बावजूद ये देख लें कि ये जिस तरह पॉरेज आप बनाते हैं ना दलिया, उस तरीके से ये गाढ़ा होना चाहिए, ये देख लें, ठीक है। आपको दोबारा दिखा रही हूँ, और ये जो काले काले बिट्स आपको नजर आ रहे हैं, प्लीज परेशान होइएगा, दूध जला नहीं है, ये इलायची पाउडर है जो अभी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, तो वो मैं अभी जो है बाद में कर लूंगी। अब आपने क्या करना है, चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ, और इसे अच्छे से ठंडा हो जाने दें, और उसके बाद आपको जो है इसका दूसरा स्टेप दिखा दें। तो ये देख लें, कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे इसको होना चाहिए, और मैंने इसको अच्छे से यूँ मिक्स कर लिया। टेक्सचर देख लें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है इसका। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि मैंगो की प्यूरी आपको दिखाई थी, और इसमें इसको डाल करके अच्छी तरह आप इसको जो है मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब जिस भी डिश में आपने इसको डालना है, सर्विंग ग्लास में, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो आप जो है इसे देख लें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, इसमें पहले इसको डाल लेते हैं। डाल दिया बीच में, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैंगो का हमने पल्प रखा हुआ था वो आप जो है इसके ऊपर पहले यूं लगा लीजिएगा, इक्वली मैंगो ऊपर डाल लिया, उसके बाद आप इस पर डालेंगे बादाम। अगर आप चाहें तो ये जो बादाम है आप बीच में भी डाल सकते हैं कुकिंग के टाइम, लेकिन क्योंकि हमने पेस्ट बना करके डाला तो ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ये गार्निशिंग के लिए चाहिए हमें। तो बादाम चले गए, ऊपर जाएंगे पिस्ते, ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाते हैं, और इसे जो है आप चिल करके सर्व करते हैं, तो इसे फिर डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देख लें, इसी के से आप इसको सर्व कर सकते हैं सर्विंग ग्लासेस में, बोल्स में, या फिर डिश में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, जिसको quickfaiza.net पर जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।